हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर बन रही है तोरई की सब्जी। क्या है? चॉकलेट। एक मैंने खा ली। ये देखो, इधर से ये गेट खुला हुआ आप लोग दिख रहा पीछे? नहीं दिख रहा। एक तो ना ये पीछे आप लोगों को दिख रहा नहीं पता, क्योंकि ये गेट खुला हुआ है। और श्रेया ये चॉकलेट दे रही है मुझे, ये वाली लेके आई है चॉकलेट। ये चॉकलेट लेके आई। कैमरा अच्छा नहीं है। और ये गेट खुला है ना जो, तो इधर बरसात आ गई है तो टीन वीन लग रहा है। और मैं यहाँ कर सब्जी थोड़ा सा चलाकर और गैस बंद कर आ गई हूँ। और हालत तो भाई बहुत गंभीर दिख रही है। और ये क्या रॉयल मिल्क लेके आई है, नकली चॉकलेट? नहीं तो ये लेके आई है, ये चॉकलेट है। तो चलो खाते हैं इस चॉकलेट को हम। ये क्या कर रही है? तो ये देखिए, ये है चॉकलेट। तो ये खाना है मुझे। लग तो अच्छी रही है, दांतों में झंझनाहट होने लगती है जब अभी सुबह से चाय के बाद नहा धोने के बाद ये खा रही हूँ मैं। झंझनाहट होने लगी मुझे दांतों में। दांतों में झंझनाहट। अपना टूथपेस्ट बंद करती लग अच्छी रही है। मैं ज़्यादा चॉकलेट वगैरह नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी कुछ खाओ तो अच्छा लगता है। मैं खा के देख रही हूँ थोड़ी। ये बिस्किट अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी लग रही है। सच में मुंह खराब हो गया है बिस्किट खा के। पानी पीना पड़ेगा, अब किचन में आ गई हूँ मैं। तो जूठे पानी तो हम लेते नहीं हैं। लोटे पर रखा हुआ है। सब्जी बनाई थी ना, सब्जी में डाला था पानी। तो ये सब्जी में डाला नहीं है, सब्जी धोई थी, थोड़ा सा पानी लेके थे। पूरा साफ पानी हम देख सकते हैं। पीछे भी ये सब कुछ ऐसा फैला पड़ा है, आप देख सकते हो। ऊपर ही ऐसे डब्बे जमा देते हैं हम किचन के, आप देख सकते हो। ऊपर ही किचन के डब्बे जमे हुए हैं, बाकी के ये जमे हुए हैं पीछे। ऐसे सारा कुछ ऐसे रख देते हैं और सब्जी बन गई है। मुझे फिर से मायके जाना है अपने, तो मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ने पैकिंग तो कर दिया, अब रिजर्वेशन कब का है पता नहीं। यानी अभी करवाना पड़ेगा रिजर्वेशन। यानी जो दिन जाना है वो दिन डिसाइड नहीं हुआ है। ये टीन की रिपेयरिंग हो रही, तो आवाज़ें आ रही होंगी। कीले ठोक रहे हैं। हाँ, मैं चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क श्रेय आ गई है यहाँ पे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से, जब तक हम सब्जी, वैसे सब्जी बन गई है, सब्जी पूरी खा लो। है और पूरी है और पूरी चाकू और पूरी चाके। ओके आप पीना खाना के बाद और रस तो दिन भर में यानी बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। वैसे काम मैंने कुछ नहीं किया है। ये टीनिन लग रही थी तो भांजे लोग लगा रहे थे, पापा जी वगैरह थे सभी लोग, तो ये सब लगा रहे थे। तो बस ये जो समेटने का काम था, सीमेंट भी लगाई है, जो रेत सीमेंट रहती किनारे किनारे,
तो सारा कुछ फैल चुका था, तो यहाँ पर मैंने साफ़ करी हूँ। कुछ ईंटे के टुकड़े हैं तो ये मैं ले जाकर या नीचे से लेके आई थी मैं, तो जितना लगने थे उतने लग गए, तो बाकी के मैं रख देती हूँ छत पर। और यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ छत पे। थोड़ा सा ना तसला भी बहुत भारी था और ईंटों का वजन अलग, तो ये लोहे का जो तसला रहता है वो बहुत भारी था। और आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, मेरे छत में से ये सामने जो ग्रिल लगी थी, जो एक यानी डिज़ाइन वाली जो ग्रिल लगी थी, तो वो गायब है। वो इसलिए गायब है क्योंकि पता नहीं, यानी हमारे भांजे ने शायद नीचे लगा दी है। तो यहाँ पर बांस थे और बांस लगाते लगाते एक छोटा सा बांस दूसरों की टीन में गिर गया, तो वहाँ से आवाज़ आने लगी, कायरे का हो रहा हो है, तो गांव में लोग बस ऐसे ही बोलते हैं। तो बस मैं बोल रही थी कुछ नहीं, धोखे से गिर गया। और यहाँ पर सीमेंट और रेत मिलाकर वो जो मसाला बनाते हैं वो बनाया गया था। तो वो जो टीन लगाई हुई थी उसके किनारे किनारे लगाने के लिए, तो सारे आंगन में सीमेंट सीमेंट उड़ रहा था। जब तक गीला था जब तक कुछ नहीं, जब यानी सूख गया था ना, तो आप खुद देख सकते हो कितनी धूल उड़ रही थी। तो वैसे भी मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं, तो मैंने इसलिए सर नहीं ढाका, मैंने चलो उड़ने दो, किनारे हो गई थी। और तो फ्रेंड्स, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और पता है यहाँ पर बहुत सारा जो टीन का काम है वो हुआ है। यहाँ पे नीचे जो टीन लगी हुई है, तो मैंने सारा काम कर लिया है, सिर्फ पोंछा लगाने का मन कर रहा था कि पोंछा भी लगा दूँ, और बर्तन भी धुल गए, सारा कुछ मैंने कर लिया, पर मैंने दिखाया नहीं। ये देखिए, ये सारा कुछ हो गया है। और ये टंकी का ढक्कन मैंने अभी धोया है, बस सूख रहा है, सूख नहीं रहा है, सूख ही गया है, तो मैं इसको लगा दूँ। ऊपर से गंदा गंदा हो जाता है ना, इसलिए मैंने इसको धो दिया था, और सारा कुछ सफाई कर दी है। पोछा लगाने का मन कर रहा था तो थोड़ी देर से लगाते हैं। मसाले के डब्बे भी धोए थे मैंने, तो इसकी कटोरियों में कुछ मसाले हैं तो ये रखे हुए हैं यहाँ पे, तो मसाले का डब्बा भी धो दिया। तो ये जो डेली यूज के डब्बे रहते हैं, तो वो तो मैं वहीं यानी पट्टी में रखी रहती हूँ, नमक का, मसाले का, तेल का, गरम मसाले का, और शक्कर चाय पत्ती वहाँ पर खिड़की पर रख देती हूँ मैं। तो ये ना धुलते रहते हैं, जैसे ज़्यादा गंदा सा दिखता रहता है तो निकाल के धोती रहती हूँ। भाई छोटा सा किचन है, जैसा भी है, जहाँ भी खाना बनता है वो रसोई कहलाता है। अब रसोई को चाहे कांच की अलमारियों में डब्बे डब्बी रखो या फिर ऐसे ही रख दो, किचन तो किचन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, इसी रूम में बहुत सारा, किचन तो साफ़ कर लिया था, पर ये इस रूम में भी अभी धूल मिट्टी है ज़्यादा, टेबल में, कूलर में, सब जगह धूल मिट्टी जम गई है, मिट्टी मिट्टी जम जाती है। तो यहाँ से मैं, ये जो गेट है ना, यहीं से पूरा टीन लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। वैसे न्यू टीन आई थी और पुरानी वाली आगे सेट कर दी, तो ये अब मैंने बोला चलो टेबल की धूल भी साफ़ कर देते हैं। टेबल रखी थी वो गेट के पास, पर मैंने यहाँ बीच में रखी हुई थी, तो किनारे खिसका कर मैं यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ पर आ गई है श्रेया और भैया की लड़ाई हो गई, तो श्रेया भाई शिकायत कर रही है कि मम्मी भैया गेट लगा दिए थे, हमको अंदर बंद कर दिए थे, बस इतना ही बोल रही है। तो श्रेया और भैया की लड़ाई हो गई, यानी हमारे भांजे की हो गई ऐसी, और यानी वो यानी श्रेया को मजाक मजाक में खिलाते हैं, और वो थोड़ा सा बड़ा है श्रेया से, तो यानी थोड़ा सा नहीं, यानी ठीक ही है, पर श्रेया से मजाक करते हैं, चिढ़ाते टाइप के हैं। तो बोलते हैं जैसे, बोल अभी तो मैं सुन रही थी, तो बोल रहे थे अब क्या होगा तेरा कालिया। तो मैं अभी काम करने आ गई थी, कूलर चालू था, तो उन लोगों की वॉइस सुनाई नहीं पड़ी, और दोनों जन लड़े पड़े थे ना, झगड़ा कर रहे थे ऐसी हंसी वाला। और यहाँ पर ये होम थिएटर का बॉक्स रखा हुआ है, तो एक बार चूहों ने खा लिया था, तो मैं आज भी चेक कर रही थी, ऐसा तो नहीं कि डर लगा कि उन्होंने बॉक्स खोला सा दिख रहा है, तो ऐसा ना हो कि चूहे ये भी खा लिए हों। और ये होम थिएटर निकला हुआ था, बट मैंने अंदर रखवा दिया क्योंकि बहुत तेज बजता और फिर अच्छा ही लगता है यहाँ पर, इसलिए मैंने बॉक्स के अंदर करवा दिया। और चूहों ने भी खा लिया था, बट इसको मैंने फिर से रिपेयरिंग करवा कर रखा हुआ है बॉक्स में, बट इसको मेरे को अच्छे से रखना पड़ेगा क्योंकि चूहा को कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए और कब ये नुकसान कर जाए। तो इस एक बार तो ये हमने रिपेयरिंग करवा ली है,
तो ये तो क्या कुतरने में मन लग जाता है, तो सारा कुछ ये ना जो ये जो बोलते हैं ना कार्टून को, कार्टून को भी कुतर डालते हैं वो, तो बस इसी तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। और कुछ रहा कि जो कभी कभी पढ़ती है यानी जो डेली, तो वो बुक रखी हुई थी ऊपर, और बाकी की बुक तो मैंने अलग करवा दी, यानी एक बैग में अलग से रख दी, जो उसकी 7th की थी। ये 8th की कुछ बुकें हैं तो श्रेया कभी कभी रीड कर लेती है, तो वो यही सामने रखी हुई है। श्रेया पूजा कर लेना बेटा। हाँ ठीक है, और वहाँ के गेट लगा देना, मच्छर आ रहे होंगे गेट। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं छत पर हूँ आज भी, और मैंने बोला चलो वीडियो की एंडिंग कर देते हैं और कुछ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ खास नहीं था ऐसा वीडियो पर। तो और एक सिस्टर है, उनका जवाब देना था मुझे। उन्होंने एक रिक्वेस्ट वीडियो के लिए बोला था, पर मैं उनको यानी बता रही हूँ। वो सिस्टर, उनको चूल्हे की राख बहुत पसंद है खाने में, पर मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ, मैं भी काली मिट्टी खाती थी बहुत पहले, करीब लगातार करीब 2 साल तो खाई है मैंने काली मिट्टी। काली ना मिट्टी, काली मिट्टी जब ना मिले तो कुछ भी, यानी जो जिसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती थी, यानी क्या बोलूँ मैं, जैसे थोड़ा ईंटा हुआ, ईंटा भी पीस पास के खा लेती थी। तो आज जो सच्चाई वो बता रही हूँ, पर मुझे फिर जब बाद में पता चला, सारे लोगों ने घर में बताया कि ऐसा ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खून जो रहता है हमारा, जो ब्लड रहता है वो पानी में बदल जाता है, और बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। बट वो धीरे धीरे आदत हो गई थी मेरी, और मेरा एक कारण था मैं क्यों खाती थी। बोलते हैं ना, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनका थोड़ा सा कसैला खाने का मन करता है, खट्टा तीखा मीठा ये सब जिसका मन जैसा कर जाए। तो मुझे मिट्टी उस समय बहुत पसंद थी, तो मिट्टी खाते खाते मिट्टी सीख गई थी खाना मैं, और मैसेज आ रहा है। तो बस मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको चूल्हे की राख वो खाती हैं, बहुत दिनों से खा रही थी, वो ये बोल रही थी, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लिया और अभी तक इसका उपाय नहीं मिला, तो इसका उपाय सिस्टर कोई नहीं है, बस एक उपाय है कि अगर आप अपने मम्मी पापा को चाहती हो, तो उनको थोड़ा बहुत मानती हो, और अपने मम्मी पापा के लिए जीना चाहती हो, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को तकलीफ़ हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम अपने माँ बाप के लिए रहते हैं भले हमारे, तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ अपने माँ बाप के लिए वो छोड़ दो जो आप चूल्हे की राख खा रहे हो। बस मैं इतना ही जवाब दूँगी, क्योंकि मैं चाहती तो आपको गलत सलाह दे सकती थी कि ये फ़ायदा है वो, पर कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है, आपका जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको प्रॉब्लम आएगी आगे चल कर, क्योंकि आपका ये मिट्टी खा खा कर ना, एक प्रकार से राख मिट्टी हुई, तो ये खा खा कर, क्योंकि बहुत तेज़ रहती है ये, इसलिए क्योंकि जब पहले के जो ज़माने बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते थे, जो पहले के ज़माने के लोग रहते थे, तो वो ना इस राख से ही बर्तन साफ़ करते थे। और तांबे के बर्तन, अगर आपको चेक करना है तांबे के बर्तन साफ़ करके राख से देखना, इतनी जल्दी चमकता है कि क्या बताएं, तो राख बहुत तेज़ रहती है। तो मैंने जैसे मिट्टी खाना छोड़ दी अपने मम्मी पापा के लिए, कि बस मैं सिस्टर, अगर आप मुझे थोड़ा सा अपनी बहन मानती हो, तो मैं आपको बहन की तरह समझा रही हूँ कि आप जो राख खाती हैं वो खाना छोड़ दीजिए। और आज की वीडियो में कुछ और बात करती, बट मैं आपके लिए आज ये बातें कर रही हूँ, और मैं अलग से वीडियो, यानी अलग से वीडियो ये बनाती तो थोड़ा सा अजीब सा लगता, तो मैंने इसी ब्लॉग में ऐड किया है, तो आप प्लीज़ सुनिएगा। और बस यही कहना चाहती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ये सर्च करके देख लीजिएगा कि मिट्टी खाने से हमको क्या क्या होता है। तो मुझे जितनी जानकारी थी, वैसे बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं मिट्टी खाने के, बहुत ज़्यादा छाले होते हैं, और यानी सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है उससे, क्योंकि मिट्टी जो राख रहती है बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको आप छोड़ दीजिए, ना खाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ भी खाने से क्या फ़ायदा, शरीर एक बार मिलता है और हमको दिक्कत हो, हम शरीर इंसान देखो शाम हो रही है और मैं छत पर बैठी हूँ, तो इतना अच्छे से फेस नहीं दिख रहा, पर क्या करूँ, लाइटिंग अच्छे अंदर इतनी अच्छी नहीं है, और शाम का समय ही मिला था मुझे बात करने के लिए, और क्योंकि आज हमारे यहाँ इधर
जो बरसात होती है तो सीट ईट लगाई गई है, तो उसमें बहुत सारा ज़्यादा फैल गया था, तो वो सारा कुछ समेटने में टाइम लग गया। तो बस इतना कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि आप उसको मत खाइए। तो और मेरी बहन भी होती तो मैं उनसे यही कहती। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंडिंग करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।